एक न्यूली मैरिड कपल शादी करने के बाद एक बहुत बड़े घर में रहने के लिए आते हैं, लेकिन सुहागरात के दिन ही कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसे देखकर उसके पति के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी को एक आत्मा पजेस कर लेती है और अब वो आत्मा अपना बदला लेना चाहती है। तो दोस्तों, ये आत्मा कौन है और इसके साथ क्या हुआ था और क्या ये आदमी पंडित जी की मदद से अपनी पत्नी की जान बचा पाएगा, यही देखेंगे हम आज की हॉरर थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है मंगलापुरम। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी बहुत ज्यादा कमाल की है और एंड में आपको एक जबरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा, और किसी के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करने का अंजाम क्या होता है इसका सबक भी आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसी हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली से, जहां पर हम देखते हैं सभी लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं और उनकी दो बच्चियां गेम खेल रही थी। तभी उनकी माँ मोबाइल छीनकर उन्हें चुपचाप खाना खाने के लिए कहती है। अब उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं ये लोग सोने की तैयारी करने लगते हैं। पति कहता है कि मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना है, इसीलिए तुम अलार्म लगाओ। और यहाँ पर भी वो बच्चियाँ अभी भी मोबाइल पर गेम ही खेल रही थी। फिर उनकी माँ उन्हें चुपचाप सोने के लिए कहती है, लेकिन ये दोनों बच्चियाँ जिद करने लगती है कि उन्हें कहानी सुननी है। अब उनके पिताजी कहते हैं कि बच्चों, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसीलिए तुम दादाजी के पास जाओ, वो तुम्हें कहानी जरूर सुनाएंगे। उसकी पत्नी कहने लगती है कि बापूजी तो अब तक सो गए होंगे, आप उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन फिर भी वो दोनों बच्चियां कहानी सुनने के लिए अपने दादाजी के पास चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि उनके दादाजी एक किताब पढ़ रहे थे और वो दोनों बच्चियां अपने दादाजी से कहानी सुनाने की जिद करने लगती है और उनके दादाजी को उनकी बात माननी पड़ती है। वो जो किताब पढ़ रहे थे वही कहानी उन्हें बताना शुरू कर देते हैं। मंगलापुरम नाम का एक गांव था, जहां पर एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसके दो बेटे थे, पहले बेटे का नाम था सूर्या और दूसरे बेटे का नाम था रुद्रा। अब जमींदार का दूसरा बेटा रुद्रा चेन्नई के एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और वहां पर उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और दोस्तों उस लड़की का नाम होता है मेघना। उसके अगले सीन में हम देखते हैं रुद्रा और मेघना शादी कर लेते हैं और बहुत बड़े घर में रहने के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अजीब बात तो ये थी कि उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं था। वो दोनों घर के अंदर आते हैं और सबसे पहले अपने बड़े भाई और भाभी की तस्वीर के सामने दिया जलाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रुद्रा के बड़े भाई और उसकी भाभी की मृत्यु हो चुकी है। फिर मेघना पूछती है कि आपके पिताजी की तस्वीर कहाँ है, हमें उनका भी आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं रुद्रा इस बात को किसी तरीके से टाल देता है। खैर, अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों पति पत्नी अपने सुहागरात मना रहे होते हैं, लेकिन तभी हम इस घर में किसी अनजान साये को भी देख पाते हैं और उसके अगले ही पल अचानक मेघना के पेट में बहुत ही तेजी से दर्द होने लगता है। ये देखकर रुद्रा उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मेघना को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मेघना कहती है कि मैं थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, और उनकी रात ऐसे ही बेचैनी में निकल जाती है। अब उसके अगले दिन सुबह हम देखते हैं ये दोनों डॉक्टर से मिलकर अपने घर पर वापस आते हैं, तो यहाँ उनके घर पर एक औरत उनका इंतजार कर रही होती है। हमें पता चलता है कि वो इस घर में काम करने वाले नौकर पशुपति की पत्नी है। वो रुद्रा से कहती है कि मेरे पति पशुपति ने आपके घर की बहुत ज्यादा सेवा की है और जब गांव के मंदिर में रखी मूर्ति की चोरी हो गई तो उसके झूठे आरोप की वजह से उसे पुलिस ले गई है, लेकिन मालिक उन्होंने चोरी नहीं की, आप उन्हें छुड़ाने के लिए कुछ तो कीजिए मालिक। तो रुद्रा उस औरत से कहता है कि मैं अपने वकील से बात करता हूँ, और ऐसा कहकर वो अंदर चला जाता है। यहाँ घर के अंदर नौकरानी अंजलि मेघना को बताती है कि बड़े मालिक पशुपति के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, अगर उस दिन वो हादसा नहीं होता तो आज वो हमारे बीच जिंदा होते। और दोस्तों, ये हादसा क्या है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब उसके अगले दिन मेघना और रुद्रा आपस में बात कर रहे होते हैं। रुद्रा कहता है कि हम दोनों के परिवार वाले हमारे शादी के खिलाफ थे, लेकिन मेरा भाई मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर रुद्रा का भाई सूर्या कहता है कि पिताजी अभी पंचायत के काम में बहुत ज्यादा बिजी है, मैं सही वक्त देखकर तुम्हारी शादी की बात उनसे करता हूँ, ये प्यार का मामला है और इसलिए उन्हें मनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम उन्हें मना लेंगे। ये सुनकर रुद्रा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ प्रेजेंट में ये सब बातें सोचकर रुद्रा अपने भाई को याद कर रहा होता है। मेघना उसे कहती है कि आप दुखी मत होइए, हम होनी को तो नहीं बदल सकते ना, लेकिन हमारी शादी में उस पशुपति ने हमारी मदद की थी, इसीलिए आप उसे जल्द से जल्द से जल्द रिहा करवाइए। और रुद्रा ठीक है ऐसा कहता है। फिर ये दोनों घर पर वापस आ जाते हैं। अब घर पर आने के बाद रुद्रा अपने वकील को कॉल करता है और पशुपति की जमानत के लिए कुछ करने के लिए कहता है।
उसका वकील कहता है कि ठीक है सर, आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं रुद्रा और मेघना रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक मेघना को पता नहीं क्या हो जाता है। वो अपने पति के ऊपर चिल्लाने लगती है और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है। मेघना का ऐसा चेहरा देखकर रुद्रा तो शॉक रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वो डर के मारे कमरे से बाहर चला जाता है। उसके अगले दिन हम देखते हैं वकील और एक आदमी रुद्रा से मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं। वकील उसे बताता है कि गुंटूर नाम का एक आदमी उस चोरी में शामिल था और उसी ने पशुपति का भी नाम लिया है, इसीलिए इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे जमानत पर कैसे भी करके रिहा कर दूंगा। रुद्रा कहता है कि वो हमारे घर का और मेरे पिताजी का बहुत ही भरोसेमंद आदमी है, इसलिए आप उसे जल्दी से बाहर निकलवाइए। फिर वकील एक पेपर पर उसकी साइन करवा लेता है और वहां से चला जाता है। यहां इस तरफ हम मेघना को देखते हैं जो कि भैया और भाभी की फोटो देख रही थी। तभी वहां पर अंजलि आती है और उससे कहती है कि बहुत ही जवान उम्र में दोनों ही चल बसे, किसकी नजर लग गई पता नहीं। तब मेघना पूछती है कि यहां पर ससुर जी की फोटो क्यों नहीं है। अंजलि बताती है कि वो फोटो भी यही थी, लेकिन छोटे मालिक ने उस फोटो को निकाल कर स्टोर रूम में रख दिया। अब मेघना ने अपने ससुर को देखा नहीं था, इसलिए अंजलि उसे जमींदार की फोटो दिखाने के लिए स्टोर रूम ले जाती है। यहाँ पर उन लोगों को बड़े मालिक की फोटो मिल जाती है और नौकरानी के मना करने के बाद भी मेघना उस तस्वीर को दीवार के ऊपर लगा देती है। अब उसके अगले ही दिन हम देखते हैं रुद्रा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पिताजी की तस्वीर को बाहर आकर फेंक देता है। वो अंजलि पर गुस्सा करने लगता है कि ये फोटो यहाँ पर कैसे आई। अंजलि उसे माफी मांगने लगती है। रुद्रा कहता है कि आज के बाद ये तस्वीर यहाँ पर दोबारा से दिखाई दी तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं मेघना सूर्या की फोटो गले से लगाकर रो रही होती है और रुद्रा जब ये देखता है तो उसे ये बात बहुत ही अजीब लगती है कि उसकी पत्नी अपने भैया की फोटो देखकर इतना ज्यादा क्यों रो रही है। वो एक पेड़ के पास आकर इन सभी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है कि आखिरकार मेघना को हो क्या गया है। तभी वहां से गांव के पंडित जी गुजर रहे होते हैं। वो उसे पूछते हैं कि बेटा आप यहां पर परेशान क्यों बैठे हो। तो रुद्रा उन्हें अपनी पत्नी मेघना के बारे में सब कुछ बातें बता देता है। पंडित जी कहते हैं कि तुम अपने परिवार की कुंडली ले जाकर ज्योतिषी को दिखाओ, अगर उसमें कोई दोष होगा तो तुम्हें समाधान जरूर मिलेगा। तो रुद्रा तुरंत ही एक ज्योतिषी को अपने घर पर बुलाता है और उन्हें अपने परिवार के सारे लोगों की कुंडलियां दे देता है। पंडित जी उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं इन सारी कुंडलियों को देखता हूँ और इस समस्या का उपाय ढूंढकर मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम अपने कुल देवता की पूजा करो और अगर उसके बाद भी समस्या आती है तो फिर मुझे कॉल कर लेना। इतना कहकर वो ज्योतिषी वहां से चला जाता है। अब उसके अगले ही दिन रुद्रा कुलदेवी के मंदिर पहुंच जाता है। वहां के पंडित जी के अंदर देवता आते हैं और वो गांव वालों से कहते हैं कि तुम लोगों ने अपने कुलदेवी की सेवा नहीं की, इतने दिनों से ये मंदिर बंद पड़ा है, इसलिए आपके कुलदेवता आपके ऊपर रुष्ट हो गए हैं। अब ये बात सुनने के बाद रुद्रा वहां से लौट जाता है। यहां इस तरफ हम मेघना को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन तभी अचानक उसका बेड अपने आप ही हिलने लगता है। अंजलि वहां पर आती है और ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो ये सब कुछ रुद्रा को जाकर बताती है और रुद्रा जब कमरे में जाकर देखता है तो मेघना पूरी तरीके से पजेस हो चुकी थी, जिसे देखकर वो तो हैरानी हो जाता है। वो घबरा कर तुरंत ही पंडित जी को कॉल करता है और यहाँ के हालात के बारे में सब कुछ बता देता है। पंडित जी उसे बताते हैं कि मुझे आपके परिवार की पत्रिका में दोष दिखाई दे रहा है और आपके पत्नी के जीवन रेखा भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इस समस्या के विषय में मुझे अपने गुरुजी से बात करनी होगी, उनके पास इस समस्या का हल जरूर होगा। उनके साथ बात करके मैं सीधा आपके घर पर आता हूँ। अब दोस्तों उसके कुछ देर बाद में रुद्रा के घर पर वकील जी का फोन आता है। वकील जी उसे बताते हैं कि आपके घर में काम करने वाला पशुपति जेल से रिहा हो चुका है, क्या मैं उसे सीधा आपके घर पर भेज दूं? रुद्रा वकील से कहता है कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, इसलिए आप उसे जल्दी भेज दीजिए। तो पशुपति वहां से जमींदार के घर पर जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ इस तरफ पंडित जी रुद्रा के घर पर आते हैं और वो कुछ उपाय करने के लिए रुद्रा को वहां से बाहर ले जाते हैं। अब अंजलि को इस घर में अकेले रुकने में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन रुद्रा उसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम कल सुबह तक आ जाएंगे, हमें इस समस्या का कुछ न कुछ हल तो जरूर मिलेगा। इतना कहकर ये लोग कार से निकल जाते हैं। अब पजेस हुई मेघना अंजलि को बुलाकर उसे पूछने लगती है कि वो लोग कहाँ चले गए, लेकिन अंजलि उसे कुछ नहीं बताती है। तो वो गुस्से में अंजलि को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। यहाँ इस तरफ रुद्रा और पंडित जी उनके गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं। गुरुजी अपनी ध्यान साधना में जाकर उन्हें बताते हैं कि आपके घर पर एक आत्मा का साया है और वो आत्मा किसी मकसद से यहाँ पर आई है।
जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता वो वहाँ से नहीं जाएगी। क्या हाल फिलहाल में आपके घर पर कुछ अनहोनी हुई थी? मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। और रुद्रा यहाँ पर अपने परिवार की कहानी बताने लगता है। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम रुद्रा के पिताजी और उसके भैया और भाभी को देख पाते हैं। उसका परिवार बहुत ही खुशहाल तरीके से जी रहा होता है। अब सूर्या की पत्नी प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो कुछ रस्म करने के लिए अपने मायके चली जाती है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं, गांव में रहने वाला एक आदमी अपने पत्नी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, मतलब कि दारू वगैरह पीकर उसे मारपीट रहा था। तो उसकी पत्नी यही शिकायत लेकर गांव के जमींदार के पास आ जाती है। तो जमींदार उस आदमी को उनके यहाँ पर जितने भी नारियल होते हैं उन्हें छीलने का काम दे देता है सजा के तौर पर। और जितने दिनों तक ये आदमी यहाँ पर काम करेगा उतने दिनों तक उसके परिवार को राशन दिया जाएगा। इस तरह से समस्या का समाधान किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रुद्रा अपने भाई सूर्या को खाना खाने के लिए बुलाने जाता है, लेकिन सूर्या तो यहाँ पर अपनी पत्नी की याद में उदास बैठा होता है। उसे अपनी पत्नी की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं जमींदार और पशुपति मंदिर जा रहे होते हैं, तो रास्ते में गांव के कुछ लोग आकर जमींदार को रोक लेते हैं। इसीलिए जमींदार पशुपति को मंदिर की चाबियां देकर उसे पूजा पाठ करके वापस आने के लिए कहता है, और जमींदार खुद गांव के लोगों की समस्या सुनने के लिए वहां पर रुकता है। अब यहां पर गांव वाले खेत में हो रहे पानी की वेस्टेज की समस्या के बारे में उनसे बात करने लगते हैं। तो जमींदार उनको बताता है कि मेरी कलेक्टर साहब से बात हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि वो इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर देंगे। अब ये लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, तब तक पशुपति मंदिर जाकर पूजा करके वापस आता है और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर उसी रात को जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो सूर्या अपनी पत्नी को बहुत ही ज्यादा मिस करने लगता है, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं उसकी पत्नी इंदुमती वहां पर आकर उसे खाना परोसने लगती है। सूर्या उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। इंदुमती बताती है कि आप बहुत ज्यादा उदास रहने लगे थे, इसलिए देवर जी मुझे यहाँ पर लेकर आए और अब मैं बच्चा होने तक यही रहूंगी। ये बात सुनकर सभी परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। अब उसके अगले दिन जमींदार मंदिर चला जाता है और वहाँ पर काम करने वाले कुछ लोग उसे कहते हैं कि मालिक इस साल मंदिर को पेंट करना है, तो इसीलिए थोड़ा पैसों की जरूरत थी। जमींदार कहता है कि बस इतनी सी बात, भगवान के काम में कुछ भी कम नहीं रहना चाहिए, तुम घर पर आकर जितने पैसे चाहिए उतने ले जाओ और मंदिर का सारा काम पूरा कर दो। रात को हम देखते हैं कि इंदुमती घर का सारा काम कर रही होती है। अब वो प्रेग्नेंट थी तो सूर्या को ये बात पसंद नहीं आती कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और वो घर के सारे काम करे। वो इंदुमती से कहता है कि तुम ये सारे काम हमारे नौकरों से क्यों नहीं करवा लेती? तो उसके पिताजी उसे कहते हैं कि अरे बेटा, इस हालत में थोड़े बहुत घर के काम करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन सूर्या नाराज होकर वहां से चला जाता है। तो इंदुमती उसके पीछे पीछे दूध लेकर चली जाती है और अब दूध पीने के बाद ये दोनों ही सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आधी रात को इंदुमती को प्यास लगती है, लेकिन उनके कमरे में रखा हुआ पानी खत्म हो चुका था, तो वो अपने पति सूर्या को बिना उठाए खुद ही पानी पीने के लिए चली जाती है। और दोस्तों, तभी हम उनके घर के बाहर किसी अनजान आदमी को देख पाते हैं। अब कुछ देर बीत जाने के बाद सूर्या की नींद खुलती है। वो देखता है तो उसे इंदुमती कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है। रुद्रा और उसके पिताजी भी जग जाते हैं और वो भी इंदुमती को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर पशुपति आकर उन्हें कुछ बताता है। और जब ये लोग कुएं के पास जाते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों उस कुएं के अंदर इंदुमती की लाश थी। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और सूर्या तो पूरी तरीके से टूट जाता है। अपनी पत्नी को चिता देने के बाद सूर्या खोया खोया सा रहने लगता है। सूर्या की ऐसी हालत देखकर रुद्रा को बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है। अब ऐसे में एक दिन सूर्या बहुत ज्यादा टेंशन में आकर फांसी लगा लेता है। जमींदार और रुद्रा ये सब कुछ देखकर और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनके परिवार ने अपने सबसे बड़े बेटे और बहू को खोया था। अब इस घटना से जमींदार बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है और वो सोचता है कि जिसने भी उनके परिवार के साथ ये सब कुछ किया होगा वो उसे नहीं छोड़ेगा। तभी पशुपति उस घर में काम करने वाले उस आदमी को खाना देने के लिए जाता है, मतलब कि जिस आदमी को नारियल छीलने का काम दिया था ना, उस आदमी के पास। पशुपति उसे बताता है कि खाना खाने के बाद जमींदार ने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है। और अब कुछ देर के बाद वो आदमी उनके घर से जाने लगता है, तो जमींदार को उसके ऊपर शक होता है, क्योंकि उनके घर पर जब यह हादसा हुआ तो यह आदमी यहाँ पर ही काम कर रहा था। जमींदार उसे अपने पास बुलाकर पूछने लगता है कि जिस रात मेरे बहू इंदुमती की मृत्यु हुई थी उस रात तुमने कुछ देखा था क्या? वो आदमी बताने लगता है कि हाँ मालिक, मैंने उस रात किसी को देखा था। उसकी कदकाठी बिल्कुल भी छोटे मालिक रुद्रा जैसी थी। ये बहुत बड़े घर का मामला है इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, और अब आपने पूछा इसलिए मैंने अपना मुंह खोला।
अब ये बात सुनने के बाद जमींदार उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके जाने के बाद वो पशुपति को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहता है, क्योंकि जमींदार को उसकी बातों पर अभी भी विश्वास नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ बात जरूर छुपा रहा है। तो पशुपति उस आदमी का पीछा करता है और थोड़ा आगे जाने पर वो आदमी किसी दूसरे आदमी से मिलता है। वो दोनों किसी बहुत बड़ी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। तभी यहाँ पशुपति के पास गांव का एक आदमी आता है और उसके साथ बात करने लगता है। पशुपति उसे वहां से मारपीट कर भगा देता है, लेकिन तब तक वो दोनों ही आदमी वहां से जा चुके थे। अब घर पर आने के बाद पशुपति यही सारी बातें जमींदार को बताता है। जमींदार उसे कहता है कि ठीक है, अब तुम उसका पीछा करना छोड़ दो, आगे का मैं सब कुछ देख लूंगा। और दोस्तों, उसके अगले ही दिन हमें खबर मिलती है कि उस आदमी को किसी ने जान से मार डाला। उसकी पत्नी रोते हुए जमींदार के पास आती है और बताने लगती है कि कल रात किसी ने उसके पति का गला काट कर उसे मार दिया। अब ये खबर सुनकर जमींदार और पशुपति तो हैरान हो जाते हैं। फिर जमींदार उस औरत से कहता है कि आप अपने आप को संभालिए, मैं ये किसने किया इसके बारे में पता करता हूँ। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं रुद्र और उसके पिताजी में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके पिताजी उसकी लव मैरिज के खिलाफ थे। रुद्रा कहता है कि आप जब तक इस घर में रहेंगे तब तक मैं उसे इस घर में लेकर नहीं आऊंगा, और ऐसा कहकर वो घर छोड़कर चला जाता है। और इतने बड़े घर में जमींदार बहुत ही ज्यादा अकेला पड़ जाता है। वो डिप्रेशन में जाकर अपने परिवार के सभी लोगों को याद करने लगता है। अपने बेटे रुद्रा की याद में उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, और अब ऐसे में कुछ ही दिनों के अंदर उस जमींदार की भी मौत हो जाती है। अब दोस्तों, हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर गुरुजी रुद्रा से कहते हैं कि असलियत में तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ था ये मुझे पता चल गया है, हमें जल्द से जल्द तुम्हारे घर पर पहुंचना होगा। अब उसी रात हम देखते हैं वकील के घर से पशुपति जमींदार के घर पर पहुंच जाता है और घर में आकर छोटे मालिक कहकर पुकारने लगता है। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक उसके सामने मेघना आ जाती है और उसके अंदर जो आत्मा थी वो पशुपति को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। वो पशुपति को डराकर उसे मारने पीटने लगती है। पशुपति छोटी मालकिन का ऐसा भयानक रूप देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भागते भागते अपने घर पर आ जाता है। उसकी पत्नी उसे पूछने लगती है कि आप इतना ज्यादा डरे हुए क्यों हैं और आप जेल से लौटकर कब आए। लेकिन पशुपति यहाँ पर डर के मारे रोने लगता है। और दोस्तों, यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। हमें पता चलता है कि उस रात असल में क्या हुआ था। इंदुमती रात को पानी पीने के लिए किचन में आई थी और उस रात पशुपति ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जब उसने इंदुमती को देखा तो उसकी नियत बिगड़ गई और वो किचन में जाकर इंदुमती के साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। इंदुमती उसे रोकने लगती है और वो किसी को आवाज लगा ही रही थी कि तभी पशुपति उसका मुंह बंद कर देता है। अब इसी छीना झपटी में उसका मुंह बंद करने से इंदुमती की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर पशुपति बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अब ये बात किसी को ना पता चले इसीलिए वो उस लाश को कुएं में फेंक देता है। लेकिन दोस्तों, अगले दिन जब पशुपति मंदिर जा रहा था तो उस घर में काम कर रहा वो आदमी उसे रोक लेता है। वो पशुपति से कहता है कि उस रात तुमने जो काम किया उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है, मैंने उस रात तुम्हें कुएं के पास देखा था। अगर ये बात मैं जमींदार को ना बताऊं तो तुम्हें मंदिर की मूर्ति चुरा कर मुझे देनी होगी। ऐसी धमकी देकर वो आदमी वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर पशुपति को आगे क्या करे ये बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो रात को जाकर उस आदमी का गला काट कर उसे मार देता है ताकि वो ये बात जमींदार को ना बताए। और तो और दोस्तों, उसके अगली रात वो रुद्रा के पास जाकर बताता है कि आपकी भाभी इंदुमती को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि आपके पिताजी ही है। और पशुपति जमींदार के पास जाकर बताता है कि बड़ी बहू इंदुमती को हमारे छोटे साहब रुद्रा ने मारा है। इस तरह से पशुपति इनके परिवार में गलत फैमिलियां बढ़ा देता है और उनके परिवार को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। अब दोस्तों, हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां पर इंदुमती की आत्मा मेघना के शरीर के अंदर होती है। जी हाँ दोस्तों, वो पशुपति से अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आई थी। हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और रुद्रा और गुरुजी घर पर पहुंच जाते हैं। मेघना यहाँ पर पूजा पाठ कर रही थी और वो गुरुजी को प्रणाम करती है। तो गुरुजी जब उसके सर पर हाथ रखते हैं तो उन्हें सारी बातें पता चलती है। मतलब कि कल रात इंदुमती की आत्मा ने पशुपति को गाँव के कुएं में डुबा कर मार दिया और इस तरह से इंदुमती की आत्मा का बदला पूरा हो जाता है। यहाँ गुरुजी रुद्रा और मेघना से कहते हैं कि आपके परिवार पर जो भी मुसीबत आई थी वो टल चुकी है और अब से आप शांति से रह सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर दादाजी यही कहानी अपनी पोतियों को बता रहे थे। कहानी सुनने के बाद वो दोनों बच्चियाँ सोने के लिए चल जाती है तो बीच में ही उनकी माँ उन्हें मिलती है। वो उनसे पूछने लगती है कि अब तक तुम दोनों सोई नहीं। बच्चियाँ बताती है कि हम दादाजी से कहानी सुन रहे थे, लेकिन उनकी माँ उन्हें दूसरे कमरे में ले जाती है जहाँ पर उनके दादाजी कब का सो रहे थे। वो दोनों बच्चियाँ सोचने लगती है कि तो फिर हमें कहानी कौन सुना रहा था।
और दोस्तों जब हम उस किताब को देखते हैं तो उसके ऊपर जमींदार की फोटो लगी हुई थी। और इसके साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।